हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एंड पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये पार्ट वन होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई। तो ग्राम विकास विभाग की जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य व जिले के बीच समन्वयक कौन होता है। तो वो होता है जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है सेना का मुख्य अधिकारी होता है। एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता थे। तो वो थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है। तो 243 आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला नियोजन समिति का गठन किस संविधान के संशोधन के तहत किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन के। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया था जबलपुर में 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। तो वो है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई। तो ये की गई दतिया में 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का बजट पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है। तो विस्तार अधिकारी। अगला क्वेश्चन है कि किस समय काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है। तो कहा जाता है 1959 से 1964 के बीच के समय को। अगला क्वेश्चन, किस समय काल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है। तो 1965 से 1968 के बीच के काल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस समय काल को पंचायती राज का ह्रास काल कहा जाता है। तो 1969 से 1983 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि किस समय काल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है। तो 1983 से आगे के काल को। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार किस देश से लिया गया। तो ये लिया गया है रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया। तो ये किया था चेन्नई में 1887 में। अगला क्वेश्चन है कि गाँव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो 1000 गलतियां करें, इससे घबराने की जरूरत नहीं, पंचायतों को अधिकार दो, यह कथन किसका है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला, किसने पंचायती राज को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया। तो जयप्रकाश नारायण ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला, यह कथन किस कमेटी का है। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी का है। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यक्रम को जिसका कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध है केवल उन्हीं लोगों के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, यह कथन किस कमेटी का। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी का यह भी कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का राजनीतिक और विकास संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, यह कथन किस कमेटी का है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का। अगला, मंडल पंचायत की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई। तो अशोक मेहता कमेटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो वो राजस्थान। अगला, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो वो कहते हैं मेयर। अगला, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई। तो 1953। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत व मूल्य कहाँ आयोग स्थित है। तो मुंबई में। अगला, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल की का है। तो वो गेहूं की फसल का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग किस फसल में होता है। तो वो होता है चावल की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। तो वो थर्टीन तेरह। अगला, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है जबलपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो कृषि कार्य शामिल है, स्वास्थ्य व समाज कल्याण। अगला, भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? तो वह है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांवों में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति के क्या कारण है? तो अशिक्षा है, बाल विवाह व पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। अगला, एक पटवारी का संबंध होता है, पटवार हल्के से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का न्यायिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1998 से 99 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अगला, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो 6वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट है कि कृषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देते हैं? तो अल्पकालीन व मध्यकालीन लोन। एक क्वेश्चन है कि अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है? तो अधिकतम 15 माह। अगला, मध्यकालीन लोन की अवधि क्या होती है? 15 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो जिला स्तर पर काम करते हैं। अगला, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है 66%। अगला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY कब शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1999 में। अगला, भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 27.5। अगला, राष्ट्रीय बीज निगम का क्या कार्य है? तो उन्नत बीजों का उत्पादन करना व वितरण करना। अगला, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु शक्ति किससे पास होती है? तो पंच के पास से। अगला, ग्राम पंचायत की कोई समिति कितने व्यक्तियों को संयोजित कर सकती है? तो 2 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन कि किसी पंच या सरपंच को वापस बुलाने हेतु नियत बैठक में मतदान कैसे होता है? तो गुप्त मतदान होता है। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो ये हुई थी हैदराबाद में। अगला, प्याज की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर व नवंबर माह में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहारनपुर 6 किस फसल की प्रजाति है? तो ये आलू की प्रजाति है। अगला, मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 25 से 33% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट, नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो जुलाई 2000 में की गई थी। अगला, झूमिंग खेती भारत के किन प्रदेशों में होती है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बालाघाट में। अगला, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब अस्तित्व में आई? तो 26 जनवरी 2001 में आई थी। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय झांतला गांव में प्रारंभ की गई थी? तो 2001 में। झांतला किस जिले में है? तो ये नीमच में। अगला, भारत में प्रति वर्ष कृषक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि वह फसल जो रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, क्या कहलाती है? जायद की फसल। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।